लंपी स्किन डिजीज को लेकर बैठक। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बैठक ली, विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा की। पंत कृषि भवन में वीसी से ये समीक्षा की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लंपी स्किन डिजीज को लेकर बैठक। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने ये बैठक ली है, विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा उन्होंने की है। पंत कृषि भवन में वीसी से समीक्षा की, क्योंकि ये बीमारी लंपी स्किन डिजीज जिसके कारण कई जो जानवर हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, और इसी को लेकर अब ये बैठक हुई है। पशुपालन मंत्री ने ये बैठक ली है और जो विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पर चर्चा की गई है। वीसी के माध्यम से ये चर्चा हुई है। तो कैसे इस डिजीज को लेकर अब सतर्क रहे प्रशासन, किस तरह से जो पशुपालन विभाग है वो किस तरह से कार्य कर रहा है, किस तरह से पशुओं के लिए कार्य किया जा रहा है, कैसे इस बीमारी पर कार्य किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ बैठक वीसी के माध्यम से ये समीक्षा बैठक हुई। पंत कृषि भवन में वीसी से ये समीक्षा की गई है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने लंपी स्किन डिजीज को लेकर समीक्षा बैठक ली है। प्रदेश भर में जिस तरह से बीमारी फैल रही है और किस किस जिलों में पशु कितने गंभीर रूप से संक्रमित हैं, कहाँ किस तरह के उपचार चल रहे हैं, इसकी उन्होंने समीक्षा की है। सर, किस तरह की स्थिति है पूरे प्रदेश में, आपने आज समीक्षा की है, क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, कई जिलों में ये जो हमारे बॉर्डर के ज़िले हैं, यूँ मानिए कि आप बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू तक कुछ केस जयपुर में भी आए हैं। समीक्षा बैठक रखी है और हमारे विभाग की तरफ से ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ से भी सूचनाएं उपलब्ध होती है हमारे LSR VA वहाँ जाएंगे, जहाँ नहीं भी हैं तो हम दूसरे जिलों से वहाँ आदमी लगा रहे हैं। नोडल अधिकारी हमने लगा दिए हैं, कहीं व्हीकल्स की कमी है या दवा की कमी है तो तुरंत उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला कलेक्टर्स भी पूरी मॉनिटरिंग करें, मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश हैं, विभाग के दिशा निर्देश अधिकारियों के हैं कि किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए, क्योंकि पशुधन को बचाने का मामला है और ये बीमारी 10 राज्यों में फैल चुकी है। ऐसा नहीं कि इसमें अकेला राजस्थान ही है, 10 राज्यों में फैल चुकी है और कई राज्य तो हमारे से ज़्यादा प्रभावित है। तो रोकना हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कोई एक्यूट कोई दवाई नहीं है, कोई टीका नहीं है, तो फिर कैसे उपचार हो रहा है? अभी तक जो जानकारी मिली है इसमें इसका कोई टीका है नहीं, एक वैक्सीन है, क्या नाम, गोट पॉक्स वो लगाई जा रही है, वो एक टीके का। पर अभी तक तो यही है कि जहाँ जिस पशु की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उसको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे कोरोना के अंदर आदमी का था, उसी तरह तो उनको एंटीबायोटिक दी जाती है और हमारी जो दवाई हैं वो हम दे रहे हैं। पर ये बात सही है कि शुरू में यदि पता चल जाता है तो दवाई असर कर रही है हमारी एंटीबायोटिक्स वगैरह, और उससे पशु ठीक भी हो रहा है। मृत्यु दर है वो 1 से 1.5% के आसपास निकल के आ रही है अभी तक। एक बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये भी है कि पब्लिक को अवेयर नहीं है और खुले में सब फेंक रहे हैं गायों के, और अभी भी पशुओं का परिवहन हो रहा है, मेले भी लग रहे हैं, तो उस सब को कैसे रोक रहे हैं? अवेयरनेस के लिए भी हमने हमारे विभाग से प्रोग्राम चालू कर रखा है। हमारे LSA VA वगैरह सभी गौशालाओं में जाएंगे और जा भी रहे हैं, और वो जाके प्रबंध कार्यकारिणी को बताएं कि साफ सफाई जरूरी है, किस प्रकार पशु को रखना है, जो पशु इफेक्टेड है उसको अलग से रखना है, उसका चारे पानी का प्रबंधन अलग से करना है, ये सब बातें उनको बता रहे हैं ना हम पम्पलैंड के थ्रू। विभाग की तरफ से हर जगह अभी लगातार ही कार्यक्रम ने चालू कर रखा है। जिला कलेक्टर्स भी मीटिंग ले रहे हैं, वो भी लोगों को करें, स्थानीय न्यूज़पेपर्स वगैरह में, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि ये जो बीमारी फैली है उसको रोकने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम जरूरी है, लोग समझें और अपने पशुधन को बचाएं। तो पशु मेलों पर रोक लगा रहे हैं फिलहाल से? पशु मेलों के लिए हमने रिपोर्ट मंगाई है और मोटे तौर पे जो रिपोर्ट आती है उसके बाद फैसला करेंगे। अच्छा, एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि सर, पशुपालन विभाग में कोई मुखिया नहीं है, निदेशक नहीं है लंबे समय से, तो क्या उसका भी नुकसान झेलना पड़ रहा है? डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो उतने एक्टिव नहीं थे शुरू से? मुखिया बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ और अधिकारी बैठे हैं सब। और सर, जो पशुधन सहायकों की कमी है या चिकित्सकों की कमी है उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, मैं आपको कह सकता हूँ और आपको मालूम भी है कि लगातार इस कार्यकाल में पशु चिकित्सा में डॉक्टरों की भर्ती हुई है, वो कोर्ट में अटक गई 900 डॉक्टरों की, उसके बाद में हमने UTP में डॉक्टर्स लिए हैं और लगातार LSA की भर्ती हो रही है। हाल ही में LSA की भर्ती होकर लड़के पास आउट हो गए हैं, वो जाके फिर कोर्ट में अटक गया, तो
हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमने नए केंद्र भी खोले हैं और नई भर्तियां भी जारी की है। सेक्रेटरी साहब, क्या और क्या डिसीजन करने वाले हैं फाइनल इस बीमारी को रोकथाम के लिए? हम पूरा निर्देश दे चुके हैं, 12 निर्देश मैं दिया। पहले तो बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो डेली के आधार पे, दूसरा चीज़ आपका परसेप्शन मैनेजमेंट हो, तीसरा मैं बोला कि एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, चौथा मतलब जो हम कल रात 12 बजे तक सभी डिसीजंस मतलब सर्कुलर सब जारी कर दिए थे, तो नीचे का डिस्ट्रिक्ट लेवल का टीम को पूरा सभी पावर दिया गया है, फंड दे दिया गया है, मेडिसिन दे दिया गया है।